उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। योगी सरकार पर बरसे संजय सिंह, कहा यूपी में बेटियां नेता पत्रकार और वकील सुरक्षित नहीं। धारदार हथियार से 60 वर्षीय महिला की हुई निर्मम हत्या। हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडित करने से लोगों में रोष, अज्ञात में मुकदमा दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति जंगल राज से भी बेहतर है। यहाँ पर बेटियां नेता पत्रकार वकील और मानवता सुरक्षित नहीं है। डेरिस नगर गांव की छात्र सुदीक्षा भाटी की मौत के बाद में उसके परिजन से मिलने पहुंचे संजय सिंह ने मंगलवार रात को ये बात कही। संजय सिंह ने कहा कि सुदीक्षा की मौत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक कलंक है और प्रदेश में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि मनचले 3 किलोमीटर तक होनहार बेटी का पीछा करते हैं, जिसकी वजह से वह सड़क हादसे का शिकार हुई है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के दोषियों को पकड़ने के बजाय बुलंदशहर शहर की पुलिस मृतिका के परिजनों पर गलत आरोप लगाने में जुट गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। यहाँ पर नेता, पत्रकार, वकील, बेटियां व समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों से रंगदारी वसूली की जाती है। आप नेता की मांग है कि छात्र के परिजन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा उसके परिवार के अन्य बच्चों को सरकार पढ़ाई भी मुफ्त करवाए। उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुदीक्षा के मामले की सुनवाई की जाए तथा दोषियों को सख्त से सख्त सजा भी दी जाए। जनपद के मैनपुरी में एक तरफा प्रेम में युवक ने युवती और उसकी मां पर नुकीली सरिये से सोते समय हमला कर दिया। घटना में युवती की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर हालत में इलाज के लिए सैफई भेज दिया गया। हत्यारे युवक ने एक तरफा प्रेम का युवती और उसके परिवार बोले विरोध करते थे, इसी के चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को खून से सनी शर्ट और नुकीली सरिये के साथ गिरफ्तार किया है। घटना थाना गिरोह क्षेत्र के कासगंज गांव की है, जहां पर रहने वाली युवती से पड़ोस का ही रहने वाला युवक सिंटू एक तरफा प्यार करता था। युवती के विरोध करने के बावजूद सिंटू आए दिन उसे परेशान करता था। जब वह किसी तरह नहीं माना तो युवती ने अपने परिवार को बोला, इस बारे में बताया और युवती और उसके परिवार द्वारा एक तरफा प्रेम का विरोध करने पर युवक सिंटू ने बीती रात सोते समय युवती और उसकी माँ के ऊपर नुकीली सरिये से हमला बोल दिया। कई प्रहार युवक ने दोनों के ऊपर कर दिए। घटना में युवती की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में युवती को इलाज के लिए सैफई में भर्ती कराया गया। हरकत में आई पुलिस में पहुंची पुलिस ने घटना के आरोपी युवक सिंटू को खून से सनी शर्ट और घटना से प्रयुक्त नुकीली सरी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब अपनी आगे की कार्यवाही में जुट गई है। एक महिला की हत्या हुई, क्या पूरा मामला है? ये थाना घनौर के ग्राम कासगंज का मामला है, जहाँ आज बीती रात में एक उसी गांव के रहने वाले व्यक्ति द्वारा एक महिला को सरिये जैसी नुकीली चीज से मारकर चोट पहुँचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस महिला के साथ उसकी 20 वर्षीय बेटी भी है, जिसको भी चोट लगी है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तत्काल मौके पर घोर की पुलिस सीओ साहब और मैं मौके पर पहुंचा। जो मजरूर लड़की है उसको इलाज के लिए सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। मौके पर जानकारी करने पर अभियुक्त जो कास में आया उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशादेही से जो आला कत्ल है वो बरामद हो गया है, उसके पहने हुए कपड़े भी बरामद हुए हैं। थाना ढोल में FIR दर्ज है, विवेचना की जा रही है। इंजन को तत्काल जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर उसका कस्टडी रिमांड लिया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा और जो विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। चंदौली जनपद का ऐसा कोई भी गाँव, नगर व कस्बा नहीं होगा जो बिजली विभाग से त्रस्त नहीं है।
जब लोग बिजली विभाग से जब कहा जाता है तो काम हो जाने का कोरा आश्वासन से के सिवा कुछ नहीं मिलता है। ताज़ा मामला चंदौली जिले के नियमताबाद ब्लॉक के कठोरी गांव का है, जहां शाहबाद ब्लॉक के इलिया कस्बे का है, जहां पर पिछले 8 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। लोगों द्वारा बदले जाने के सारे फॉर्मेलिटी पूरी की जा चुकी है, लेकिन परिणाम रिफर है। दिक्कत तो ये है कि बिजली विभाग जिले में बेलगाम हो जाता है, किसी से शिकायत करो तो और बेलगाम हो जाता है। ऐसे में लोग अंधेरे में रहने को विवश है। महेंद्र माही कठोरी से। क्या मामला है, आप लोग जो एक नाराबाजी कर रहे हैं? मामला यह है कि इस कोरोना जैसी बड़ी महामारी में आज लगभग एक सप्ताह से ट्रांसफार्मर आप सामने जो है देख रहे हैं जला हुआ है। कई बार जेई एसटीओ और एक्सीएन से भी इस बात को अवगत कराया गया है, 2 बार कंप्लेन भी किया गया है, कंप्लेन नंबर भी उन लोगों को संज्ञान में दिया गया। किससे आप बात किए थे? जेई से भी बात हुई थी, एसटीओ से। क्या जेई क्या बोले? जेई बोले कि अभी सोमवार को लग जाएगा, मंगलवार को लग जाएगा, इसी तरह टालते हैं, रोज टालते हैं, टाल रहे हैं। लेकिन इतनी गर्मी चल रही है, बीमारी भी है, इतनी समस्याएं हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया रहा, मजबूरन आ करके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कहाँ के रहना? पठौरी। क्या मामला आप लोग जो है कि धरना करो? हम लोग का ट्रांसफार्मर कई एक सप्ताह से जल चुका है और लगाने के लिए हम लोग कई बार जेई और एसडीएफ से भेंट किए। अच्छा। और सब आश्वासन देते रहे और ये मामला हम लोग का हल नहीं हुआ और ये आजकल करके लगाते रहे और ये छोटा ट्रांसफार्मर है, लोड ज़्यादा है, कई ज़्यादा कनेक्शन है और जल्दी जल जाता है। अच्छा। और हम लोग कई बार मांग किए जिसको बदल के 30 कर दिया। क्या बोले? तो बोले कि ठीक है कर दिया जाएगा, पर करने को तैयार नहीं। बार बार असल में कल परसों लगाएंगे मगर लगा नहीं रहे, परेशान किया जा रहा है बार बार। गर्मी के मौसम में इतना माहौल है, दिक्कत है कि परेशानी लोगों को हो रहा है। मनोज कुमार सोनकर। कहाँ से हैं? कठौड़ी। क्या मामला, आप लोग धरना दिए थे? सर 8 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए थे और सर बोले थे कि ट्रांसफार्मर लग जाएगा। हम लोग कल के डेट में चंदौली भी गए थे, हमारे जेई साहब का नाम है घनश्याम जेई, उन्होंने बोले कि सोमवार को आइए तो मंगलवार को आइए। हमने एडीओ साहब से भी बात किया, एडीओ साहब भी बोले हैं कि मेरा गला ख़राब है तो मैं सोमवार का आऊँगा। और हम लोग कहें कि सर जी बहुत जल्दी परेशानी हो रही गांव में, 8 दिन का बिजली लपता है, जल। आप लोग एसडीओ से बात किए थे? जी सर। तो एसडीओ जी बोले कि ठीक है सोमवार को आइए मुलाकात कीजिए। मैंने एक्सीएन साहब से भी बात किया था मोबाइल द्वारा, तो मोबाइल ये कह रहे हैं कि मैं सर का जो है कि लग जाएगा ये है। यूपी के हमीरपुर जिले के में सनसनीखेज वारदात, 60 वर्षीय वृद्ध महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह होने पर घर वालों को लगी और अन्य लोगों को ही। 60 वर्षीय वृद्ध महिला घर के सामने चारपाई पर सो रही थी, उसी समय देर रात अज्ञात हमलावरों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मामला जनपद हमीरपुर के विवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक मोहल्ले का है, जहां पर एक 60 वर्षीय महिला का रात को सोते समय धारदार हथियार से निर्मम कत्ल कर दिया गया, जिसकी बनक सुबह जब उसकी भतीजी घर पर आई तो उसे लगी। इसमें आनन फानन में उसे मोहल्ले वासियों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और हम आपको बता दें कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड द्वारा घटनास्थल की गहनता से जांच की जा रही है। मौके पर ग्राम में क्षेत्र अधिकारी सौम्या पांडे महोदय के साथ भारी पुलिस फोर्स बल मौजूद थे। थाना बिवार में आज सुबह ये सूचना मिली कि कस्बे में ही रहने वाली एक 60 वर्षीय महिला जो कि अपने घर पे अकेले रहती थी, उनकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड मौजूद है। कुछ लोगों को शंका के आधार पर पूछताछ हेतु थाने के लिए लाया गया है। अन्य फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए इसमें घटना के अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया है। जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। उस घटना क्या हो गई आपका? शांति नाम है। हम भैंस को चारा लेने गए थे,
तभी बुआ लेटी थी, इतनी टाइम बुआ ओनर जाया करती थी, अपनी बकरियों को ओसार करने लगती थी, उनकी सानी बनाना, उनको जत्ता झाड़ना जो भी है। और तभी हमने देखा कि बुआ तो इतनी टाइम ओनर जाया करती थी, तभी हमने झांक के देखा कि बुआ लेटी थी। हमने थोड़ा और पास से झांक के देखा तो वहाँ पर खूनी खून डरा था। तभी हमने चिल्लाया तो मम्मी पापा आ गए और बाकी के लोग आ गए, उन्हें देखने लगे, तभी हम वहाँ से भाग। मुजफ्फरनगर जनपद के चथरवाल थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर कला के स्थित हनुमान मंदिर में शरारती तत्वों द्वारा मूर्ति को खंडित कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सूबे सिंह मौके पर पहुंचे, वहीं पुजारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चातरवाल क्षेत्र का ग्राम सैदपुर कला का है, जहां पर बस स्टैंड के पास काफ़ी पुराना हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में ग्रामवासियों की बड़ी श्रद्धा है, यहां प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंगलवार की सुबह जब श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे तो भौचक्के रह गए। हनुमान मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति खंडित मिली, यह देख कर लोगों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचने लगे। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मंदिर में नई मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत किया। पुलिस ने मंदिर का मुआयना कर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। धार्मिक स्थल में हुई इस घटना से लोगों में काफी रोष है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक कर रही है। पूर्वांचल में तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना वाराणसी पहुंचे। इस मौके पर सिगरा स्थित कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद में कमिश्नरी सभागार में स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों संग आयोजित बैठक में भाग भी लिया। बैठक में भाग लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिले में 500 नए बेड बढ़ाने को कहा। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बीएचयू की ओर से कोरोना मरीजों के प्रति हो रही लापरवाही को संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। आज विशेष रूप से कोविड-19 के व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं आज वाराणसी का मेरा दौरा था, इसके बाद मैं मिर्ज़ापुर भी जाऊंगा। हम कमांड कंट्रोल सेंटर गए थे और उसके बाद हमने ये बैठक जितनी भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए और प्रशासन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग कोविड-19 को देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, उनके साथ हमने बैठक की। हमारे माननीय मंत्री जी और सभी माननीय विधायक भी आज मौजूद थे। उद्देश्य यह है कि एक कोरोना के दो पक्ष हैं, एक बचाव पक्ष है, एक इलाज पक्ष। कि बचाव पक्ष में हमारी कोशिश यह है कि लोग सर्विलांस के माध्यम से ज़्यादा लोगों को हम आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को निकालें और उन लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होकर घर पहुंच जाएं। साथ ही साथ हमने कमांड कंट्रोल सेंटर में इस बात के निर्देश दिए हैं कि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए। कमांड कंट्रोल सेंटर में ये जानकारी होना चाहिए कि कहाँ किस अस्पताल में L1, L2, L3 के बेड्स खाली हैं, कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर भेजे जा सकते हैं, और वही लोग ये तय करते हैं कि कौन सा मरीज़ किस अस्पताल में भेजने लायक है। तो उसके कम से कम समय में वो अस्पताल पहुँच जाएँ और अस्पताल में पहुँचने के बाद उसका तुरंत इलाज शुरू हो जाए। कमांड कंट्रोल सेंटर का जो पर्पज़ है वो यही है और इसके लिए उनको हमने आवश्यक निर्देश दिए। ख़ास तौर से इस मीटिंग में भी आज हमने सभी लोगों को इस बात के लिए कहा है कि सभी लोग ज़्यादा सिंपैथी से इन लोगों को डील करें, क्योंकि ये सदी की सबसे बड़ी महामारी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ कोरोना के फैलाव को रोकने का काम किया है। हमने टेस्टिंग को बढ़ाया है। हम जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तो हमारे पास 100 टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी, आज हम 1,00,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंच गए। हमारा जो ठीक होने का रेट है वो भी बाकी प्रांतों से बेहतर है। साथ ही साथ जो हमारा पॉजिटिव रेट है
वो भी दूसरे प्रांतों से बेहतर है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 49,000 पेशेंट्स पॉजिटिव हैं आज की तारीख में, जो कि दूसरे प्रांतों से, जो हमसे छोटे छोटे प्रांत हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, अभी तक टोटल हम लगभग 32 लाख की टेस्टिंग कर चुके। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम स्लोगन केवल कागजातों में ही ठीक लगते हैं। जनाब अगर धरातल पर उत्तर में देखेगा तो नाम बड़े और दर्शन छोटे के कहावत को चरितार्थ करते नजर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदौली जिले के शाहबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय की। आकर देखिए साहिबान, कुछ ऐसा भी है कि लॉकडाउन में अब तक विद्यालय पर लटका ताला मुंह चढ़ता नजर आएगा। यकीन न हो तो शाहबाद सुल्तानपुर प्राथमिक विद्यालय की सैर जरूर करिए। आइए इस ब्लॉक में उसरी स्थित प्राथमिक विद्यालय पर लिए चलते हैं, जहां तो कोई शिक्षक तैनात नहीं है लेकिन मौके पर प्रधाना अध्यापक ही नजर आएंगे। वीडियो बनाने पर मास्टर साहब भी काफी नाराज हैं, क्योंकि बेचारे 10:05 पर पहुंचे थे जबकि विद्यालय का समय 8 का है, जिनकी देख रेख में पूरी शिक्षा व्यवस्था ब्लॉक में संचालित होती है। लेकिन यहाँ 7 अध्यापकों में से केवल 1 सहायक अध्यापक ही नजर आते हैं। हद तो ये हो जाती है कि बच्चे किताबों के लिए इंतजार भी कर रहे हैं कि मिल जाए तो ठीक, नहीं तो वे कुछ सीख पाएंगे या नहीं। यही नहीं जनाब, शासन का मंशा था कि SDM के बदले बच्चों तक सूखा राशन पहुँचा दिया जाए, लेकिन वह भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। या फिर यह भी हो सकता है कि शासन का कोरा आश्वासन, जब राशन ही नहीं मिला तो पैसे की बात करना भी बेमानी ही लगेगी। वहीं ड्रेस और किताबें बच्चों को जैसे तैसे मिल तो जाए, यही शिक्षा विभाग की बड़ी उपलब्धि होगी। मजाक नहीं है, ये सब हकीकत है, जैसे आप खुद देख सकते हैं। तो जब इस विषय पर हमने BSA भोलेन्द्र से बात की तो बस कार्रवाई की बात करके टाल दी। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।